दोस्तों जिसका था लंबे अरसे से इंतज़ार, वो इंतज़ार हो चुका है आज पूरा। और आपको सामने दिख रही है कि टाटा टियागो सीएनजी, ये बैजिंग रहने वाली है सीएनजी की। तो पहले हम दिखाते हैं अंदर से। ये कुछ ऐसा इंटीरियर है, एक्सेंट प्लस मॉडल रहने वाला है इसमें। सब कुछ मतलब कहते हैं टॉप मॉडल है तो सब कुछ फीचर होंगे इसमें, सारे फीचर हैं। फीचर लोडेड है पूरी, तो हार्मन का म्यूजिक, टच स्क्रीन रहने वाला है, ये ऑटोमेटिक टेंपरेरी एसी है, ये कुछ पियानो फिनिश के साथ ऐसा कुछ है। ग्लव बॉक्स दिखाओ सर, कितना बड़ा ये है, कुछ यहाँ से खुलता, सेम साइज है तो जैसे पेट्रोल में ही आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी स्टीयरिंग, ये कुछ मीटर है जिसके अंदर CNG और पेट्रोल दोनों की MID दिखाई दी जाएगी इसमें। और ORVM ऑटोमेटिक रहने वाले हैं जो कि हालांकि टॉप मॉडल है। और बाकी हम डिफरेंस बता देंगे आपको, या हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा। जो XE मॉडल है, XT मॉडल है, XZ प्लस में क्या डिफरेंस है। और सबसे मेन क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है कि बूट स्पेस में क्या स्पेस बचेगी या नहीं बचेगी, तो वो हम दिखा देते हैं एक बार। और ये कुछ हमारे पीछे से प्रोफाइल ऐसे रहने वाली है, और एक बार हम बूट स्पेस दिखा देते हैं आपको। ये कुछ ये अपना ये रहेगा, बोलते हैं एक बार ओपन कर दीजिए इसको। पर इसमें एक टाटा को ये चीज और कर देनी चाहिए थी कि गाड़ियां अलग होती ये भी खुल जाना चाहिए था। बट ये जैसे पुरानी गाड़ी में होता ना कि खुद से ही खोलना पड़ता है, की से खोल सकते हैं। ये सिलेंडर रहेगा 12 किलो का, बट इसके अंदर क्या है, बूट स्पेस ना के बराबर बचता है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा लूज बैग रख सकते हैं, छोटी छोटी पनिया रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और बाकी स्टेपनी यहाँ से निकलेगी इसकी कुछ इस तरह से निकाल के, ये जो पॉली बैग है ना इसको सरका के, और फिर यहाँ से इसको खोल के, और फिर टायर ऊपर करके निकालना पड़ेगा। और अंदर से कुछ ऐसे रहने वाली है, ये अपने दरवाजे पे ट्विटर और नीचे स्पीकर रहने वाले हैं। और ये एडजस्टेबल होते तो ज़्यादा अच्छा होता, पर इन्होंने दे दिए हैं, ब्रेजा में तो खैर वो भी नहीं आते हैं। और टायर प्रोफाइल हम बताने वाले हैं, जो टायर प्रोफाइल रहेंगे अपने 175/65R14 रहने वाले हैं। और ये अलॉय व्हील नहीं है, मतलब ये डिज़ाइन ऐसा है कि जिससे कि अलॉय व्हील जैसे लगे। ये एक थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के हिसाब से होता है कि अलॉय मतलब गाड़ी कम रेट में अवेलेबल हो जाए। अभी तो सिर्फ बुकिंग्स हो रही हैं। बुकिंग हो रही है अभी, एक्स शोरूम से ऑन रोड प्राइस आए नहीं है, आए नहीं है। ये हमारा कुछ फील लिख रहे हैं अभी, और अच्छा है मतलब जैसे आपका आपका पुरानी गाड़ी तो टाटा में आ गई सही है, आपको 4-5 साल एक दिक्कत है इसमें, हम्प जो है वो काफी बड़ा है जैसे आप देख पा रहे हो। तो बाकी कुछ ऐसे है अंदर से, यहाँ पे काफी बड़ी लाइट दे रखी है जो कि वाइट है, बहुत ही बढ़िया। और मैनुअल ORVMs है, और AC सिर्फ आगे, पीछे कोई भी AC वेंट्स नहीं है। हार्मन के स्पीकर्स, और सारा हार्ड टच है, कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। फैब्रिक्स की सीट हैं नॉर्मल, जिनके अंदर वही ट्राइवल है। हेडरेस्ट हैं पीछे जो कि मूवेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं कर सकते आप। बाकी यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी है, ये कुछ ऐसी लुक आ रही है। तो ओवरऑल जो भी है प्राइसिंग आ चुकी है एक शोरूम, ऑन रोड आनी बाकी है। बाकी फिलहाल तो गाड़ी बहुत ही सही लग रही है, स्टेडी। ये ऐसे कुछ ग्रैब हैंडल्स हैं। तो दोस्तों अभी हम रियर सीट में हम दो जने बैठे हैं, थोड़ा सा मतलब तीन लोग तो नहीं बैठ पाएंगे इसमें, हालांकि दो के लिए तो फिर भी थोड़ा ठीक है, कंफर्टेबल है। मतलब वो ये 4 के लिए पैसेंजर ठीक है, अगर फैमिली है छोटे बच्चे बीच में तो वैसे भी हम काफी ज्यादा है, कुछ ज्यादा है यहाँ पे बीच में तो छोटा बच्चा ही बैठ पाएगा। और ये थोड़ा ठीक है, टाटा दे रही है सेफ्टी दे रही है, वो वैगनार और मेरे हिसाब से वैगनार होगी, सिलेरी होगी, और एक हद तक नियोस तक की भी मार्केट ख़राब कर देगी, क्योंकि
इस प्राइस रेंज में गाड़ी नहीं है और विद बिल्ड क्वालिटी है, जो आजकल सेफ्टी का जो सबसे बड़ा मेजर वो देखते हैं कि सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, जिसमें टाटा लेके चल रहा है कि इसमें सेफ्टी के साथ साथ टाटा आया है बाद में, पर आया है तूफान के साथ। अब देखते हैं टिगोर होती है तो टिगोर का भी हम देख लेते हैं बूट स्पेस कितना बचता है। यहाँ पे कुछ सीएनजी की इंडिकेशन भी है, लॉक अनलॉक भी है।